हे गाइस, बात करें मधुबाला एक इश्क एक जुनून शो के बारे में। यहाँ पर आपको आरके और मधुबाला की स्टोरी देखने को मिली थी, इनकी लव स्टोरी देखने को मिली थी, इनका जोश और जुनून से भरा हुआ प्यार देखने को मिला था। जोश और जुनून से भरे प्यार में विवेन डिशैना का अगर एक्टर ना हो वहाँ पर तो शायद ही वो शो अधूरा लगेगा। यही वजह है ज़्यादातर जैसे भी जितने भी ऐसे कैरेक्टर होते हैं विवेन डिशैना को ही ऑफर किए जाते हैं और विवेन डिशैना बखूबी अपने कैरेक्टर को प्ले भी करते हैं। सो यहाँ से जो इनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी वाकई में इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा शो को, इतना ज़्यादा स्टिल डिमांड चलती रहेगी शो की, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। आज भी शो की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, लगातार लोग शो का सीज़न 2 देखना चाहते हैं। दृष्टि धामी यहाँ पर आपको मधुबाला के कैरेक्टर में देखने को मिली थी। सो दृष्टि को लेकर भी फैंस एक्साइटेड हैं कि एक बार फिर से मधुबाला का कैरेक्टर प्ले करती हुई वही नजर आए शो के अंदर विवेन डिशैना के अपोजिट। और इस शो के बाद से जोड़ी कहीं देखने को भी नहीं मिली है। जी हाँ, यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ये जोड़ी देखने को मिली थी। 2 साल करीबन ये शो ऑन एयर रहा था। इस बीच शो ने बहुत हाईएस्ट टीआरपी गेन करी थी। कलर्स टीवी के नंबर 1 शोज में से एक रहा है ये शो। सो यही वजह है सीज़न 2 को लेकर लोग एक्साइटेड हैं, और डेफिनेटली एक्साइटेड होना बनता भी है क्योंकि शो का सीज़न 1 सुपर हिट गया था। इसका रिपीट टेलीकास्ट एक बार फिर से वैसे ही फेम नाम लेकर आ रहा है, वैसे ही ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे ही स्टिल डिमांड चल रही है जैसे कि उस टाइम पर यहाँ पर लोगों के बीच में क्रेज देखा जा रहा था। सो यही वजह है सीज़न 2 को लेकर एक बार फिर से एक्साइटमेंट आ रही है कि शो का सीज़न 2 तो आना बनता है। अब देखना यह है कि विवेन डिशैना को अगर इस शो का ऑफर जाता है तो क्या वो इस शो को साइन करेंगे, क्या एक बार फिर से दृष्टिधामी शो में नजर आना चाहेंगी, क्योंकि इन दोनों की बात करें तो फिलहाल अपने अदर प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। अगर हम दृष्टि की बात करें तो वो वेब सीरीज पर ध्यान दे रही हैं और टीवी को लंबे टाइम से कुछ किए हुए हैं। सो देखना ये बनता है कि अगर इस शो का ऑफर जाता है तो वो इस शो को साइन करती हैं या नहीं। और वहीं अगर बात करें विवेन के बारे में तो वो स्टिल टीवी पर ही काम कर रहे हैं एज अ लीड, तो डेफिनेटली वो ज़रूर नजर आएंगे अगर उनको इस शो का ऑफर जाएगा तो। अभी आपका क्या कहना है एक्साइटमेंट कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।